राजधानी लखनऊ में एक घंटे की तेज बारिश ने राहत तो जरूर दे दी, लेकिन बरसात में मस्ती की आड़ में युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें गाड़ियों से पानी में गिरा दिया और फवत्तियां भी कसी। बुधवार को दोपहर 1 बजे के बाद लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। 1 घंटे तक हुई इस बरसात में विधान भवन, नगर निगम मुख्यालय, हजरतगंज चौराहा और गोमती नगर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के बीच गोमती नगर में ताज होटल के पास स्थित ओवरब्रिज के नीचे बारिश का पानी बड़ी मात्रा में जमा हो गया। इस दौरान कई युवक समूह बनाकर मस्ती करते हुए नजर आए। तस्वीरों और वीडियो में मस्ती करते दिख रहे युवक कुछ देर तक तो सही रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आने जाने वाले लोगों पर बारिश का पानी उलचना शुरू कर दिया। बाइक सवार युवक उनसे बचने की कोशिश में पानी में गिरते हुए नजर आए। कुछ बाइक सवारों के साथ महिलाएं भी थी, लेकिन युवकों ने उनका भी लिहाज नहीं किया। पानी फेंकने के साथ ही युवकों ने बाइक पकड़कर गिरी महिलाओं पर फवत्तियां भी कसी। इस सबके बीच खुद को आम नागरिक के लिए सुरक्षा में तत्पर बताने वाली लखनऊ पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। युवकों के संख्या बल के आगे मजबूर बाइक सवार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। बता दें कि बारिश के दौरान अंडरपास में भरे पानी में युवकों का एक समूह इस कदर सड़कों को घेरे था कि एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन पुलिस की गैर मौजूदगी में ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की मस्ती की आड़ में इस तरह की हरकतों से शहरवासी खासे परेशान रहे। युवकों की हरकत से न केवल कई लोग बारिश के गंदे पानी में गिरे, बल्कि बंद हुई अपनी गाड़ियों को धक्का देकर वहां से ले जाने पर भी मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में पुलिस की मौजूदगी न होना कहीं न कहीं आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस के उदासीन रवैये को जाहिर करता है।